हेलो गाइज, आज के एक और इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो गाइज, माँ बोल रही थी दो दिन से बैंक से पैसा निकाल कर ले आओ, पर मैं कैसे लाता? एटीएम तो छूट गया है गुड़िया के पास, और आपको पता होगा गुड़िया भी मायके में है। सो गाइज, मैं कल शाम को अपने ससुराल के लिए निकल गया और रात को वहीं रहा, और सुबह लमसम 10 बजे मैं अपने घर आ गया, एटीएम कार्ड ले आया, बैंक गया, पैसे निकाला और आके घर पर माँ को दिया। सो गाइज, अभी हम चल रहे हैं पप्पू के यहाँ। पप्पू भाई है गांव का ही। हम आ चुके हैं पप्पू के दरवाजे पे। पप्पू हमारा चचेरा भाई है, उसके मेरे घर के बगल में ही इसका घर है, देख सकते हैं आप। गाय की बछड़ी है, बड़ी ही प्यारी बच्ची है, देख सकते हैं आप। कितना प्यारा बच्चा है गाय की बछड़ी। देखिए गाय बड़ा आराम फरमा रहे हैं अभी यहाँ पर हम। देखिए बगल में पप्पू है। अरे हेलो हाय कम से कम करो, देख सकते हैं आप। और अभी चचा थे, देखिए अभी भागे जो है से लगता है कि कुछ पहने हुए नहीं थे, शर्ट वगैरह नहीं पहने हुए थे, तो देखे कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा तो उठ के भाग गए। चलिए बने रहिए ब्लॉग पे। पप्पू गया था मार्केट, और वहां से लाया है तारबूज, लाया है ना बड़ा सा तारबूज है, तो हम लोग तारबूज खाएंगे। देखिए गर्मी का मजा लिया जाएगा तारबूज के साथ। तारबूज अच्छा होता है गर्मी में, सुनता हूँ। गर्मी में तारबूज का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है, पेट जो है ठंडा रखता है। देख सकते हैं गाइज, अभी आके बैठे हुए हैं चचा। शर्ट नहीं पहने हुए थे इसलिए उठ के चले गए घर, और अभी गंजी पहन के और अभी आके बैठे हुए हैं। देख सकते हैं। बोलिए कुछ, क्या बोलना, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए जो मन है सब। हाँ हाँ बोल सकते हैं, क्या बोले हम? बोलिए जो भी मन है। ब्लॉग बन रहा है, तारबूज काट रहा है। हाँ काट रहा है। अच्छा तो तारबूज आएगा ना, चाय इतना दीजिए। हाँ जामे कुटुम्ब समाये, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। तो बहुत अच्छा। हाँ गाइस, हम लोग इसी तरह के हैं। हाँ। हम लोग इसी तरह के हैं, हम लोग जो है ज्यादा लूटने के फेर में नहीं रहते हैं। हम लोग को जो मिल जाता है, जो भी मेहनत से हम लोग कमाते हैं उसी को हम लोग बांट के खाते हैं। सिस्टम सीताराम सीताराम कहिए, जाही विधि रखे राम, ताही विधि रही है। हाँ जिंदगी में टेंशन नहीं लेना है। नहीं जिंदगी में टेंशन, जिंदगी तो पूरा टेंशन ही है। जब आदमी पृथ्वी पर जब आया है तो टेंशन लेके ही आया है, लेकिन लेना नहीं। इसलिए जिंदगी में टेंशन रहेगा, टेंशन को दूर करते हुए आगे बढ़ना, आगे बढ़िए। ईश्वर पे विश्वास रखिए, जैसा भी ईश्वर करेंगे ठीक ही करेंगे। ऐसा ही है ना? एकदम सही, राइट, एकदम राइट। क्या बोले पापा? जाही विधि रखे राम, ताही विधि रही है। ईश्वर की कृपा से। हाँ संतोष आपका है तो सब कल्याण है, कल्याण है, नहीं तो कुछ नहीं है। बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लटर पटर जो भी है ना, बस इसी का होता है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का ना। देखिए गाइस, हम लोग के लिए आ गया है तारबूज, अब हम लोग खाएंगे तारबूज। देख सकते हैं, देखिए तारबूज है, तारबूज रखा हुआ है, अब हम लोग तारबूज खाएंगे। आ चुका है, देख सकते हैं। तारबूज खाइएगा। हाँ तारबूज खाइएगा ना, गर्मी में तारबूज बढ़िया चीज है, और इसमें देखते हैं बीज बहुत होता है। ठीक है, कैसे खाएंगे?
देखिए भाग रहा था उस टाइम से, अभी आके बैठ गया है, कह रहा है कि हम तरबूज खाएंगे, बड़ा सा तरबूज लेके बैठा हुआ है। तरबूज खाइए और ऐस कीजिए, ऐस कीजिए। हाँ देखिए कैसे खा रहा है ऐसे। हाँ फिर हमें एक चमका और हमें देख सकते हैं गाइस, देखिए जाएगा, तरबूज सोच रहा है ना जाएगा। चलिए हम लोग की पार्टी हो रही है भाई। मीठा कम निकाल डालो, मीठा कम निकला तरबूज में, कम मीठा है ना, मीठा कम तरबूज की पार्टी हो रही है, देख सकते हैं आप। अच्छा है लेकिन थोड़ा सा उतना जो मीठा है मीठा होता है उस तरह का नहीं है, कम चलाओ है। ठीक है, आओ बाबू अंश भी खा रहा है जी, देखो चलो चलो देखो बच्चा अंश भी खा रहा है, अरे देखो 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 जा रहा है, अंश भी आ गया, अंश भी खा रहा है। हेलो अंश, बोलो हाय करो, हाय हेलो बोलो, हेलो अंश बोलो, आएगा बाबू अंश हाय करेगा, हाँ बोल दो अंश, अंश कर लो, कर लो, सो गाइज हम आ चुके हैं अपने घर पे, और घर पे लगता है कि अचार, आम का अचार बनाया जाएगा, देखिए दिखाते हैं आपको। ये हल्दी पीस रही है, सॉरी हल्दी अथी कर रही है, तो ये अचार के लिए, आम के अचार जो लाएगा उसी के लिए ना। माँ अचार में हल्दी डालने की तैयारी कर रही है, देख सकते हैं आप, कल लाएगा, प्रचिया के देख रहे हैं। कटहल और आम का अचार बनाने का तैयारी हमारे घर में हो रहा है, माँ कर रही है, देख सकते हैं माँ बैठी हुई है। आम का अचार लग रहा है, आम का अचार लगेगा, और जितना भी तैयारी है लगता है कि आम का अचार का ही तैयारी है। आम को काट कर पीस बनाकर धूप में इसको सुखाया गया है, थोड़ा हल्का ही सूखेगा, तो इसके बाद तेल और मसाला डालकर इसमें अचार बनाया जाएगा।